हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश ट्रेवलॉग। अभी हम लोग पूरा फ्रेश वगैरह सब कुछ करके होके ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी तक, लेकिन ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी हम लोग पहुंच गया है दिमापुर से, अभी हम लोग दूर आ गए हैं। इस तरफ देखो, मेरी तरफ व्यू, ये गाइस देखो, वाओ, दिस इज कॉल्ड नागालैंड, द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ नागालैंड। ये सब हम लोग का बिल्डिंग है गाइस, वाओ। थोड़ी सी थकान हो रहा है इसलिए थोड़ा रुक गया अभी हम लोग। उसके बाद अभी हम लोग थोड़ा मतलब ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है ना, तो कहीं पे जाके थोड़ा रुक के अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने का सोच रहा है। तो ऐसा है, तो लेट्स सी, तो कितना देर तक हम लोग रुक सकते हैं और बिना खाए, और थोड़ा चावल वगैरह भी धोना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा पानी ढूंढ रहा है, लेकिन इधर में पानी नहीं मिल रहा है, रास्ते में है ना अभी हम लोग। तो गाइस, अभी हम लोग दिमापुर कोसर के रवाना हो रहा है यहाँ से कोहिमा की तरफ। ये देखो गाइस, ट्रैफिक पुलिस मैडम जी ने रोक दिया है हम लोगों को। तो अभी हम लोग चलते हुए अपनी मंजिल की ओर, अपनी मंजिल तक घूमते हुए गूगल मैप में अभी जा रहे हैं गाइस। अभी हम लोग लेट्स गो। यहाँ पे अभी दिन का मौसम है, कल रात को तो हम लोग रात हो गया था, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को कल का बारे में तो ज़्यादा दिखा नहीं पाया। आज भी थोड़ा जर्नी की तरह ही होगा, उसी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को गाइस। तो ये है अभी हम लोग जो है, ये जगह का नाम है दिमापुर। अभी हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपना जर्नी गाइस। तो अभी हम लोग ने अपना तेल वेल सब डाल दिया है, पेट्रोल जितना सही होगा। अभी यहाँ से लगभग कोहिमा यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है गाइस। तो वही है, खुला गया मेरा हाथ में। तो अभी जा रहे हैं अभी गाइस, फिलहाल तो देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी हम लोगों को वहाँ तक पहुँचने में। ओह माय गॉड, ये गाड़ी अचानक से आ गया रे गाइस, क्या कर सकते है, मतलब क्या बोलूँ इन लोगों को। अच्छे से हॉर्न मारने से भी आ गया था, वो पोपट हो जाता मेरा अभी। Everyone, right now we are at the Nagaland and we have crossed Dimapur for the Kohima trip, that's why. So now we are heading to Kohima and then we will be going to Hornbill Festival. I will keep you guys posted. Guys, see the view guys, what a beautiful place. See this way, the roads are very beautiful with the pieces of hills, with the shades of suns. This is the view guys. Yes, I'm sitting at my scooty right now. भी दिखा रहा ब्लॉग में। हाय, ये देखो गाइस, दिस इज, हम लोग आ चुका है नागालैंड हिल्स पे, इस मंजित। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर नॉट ऑलरेडी, इफ यू लाइक द वीडियो। एंड नाउ वी आर हेडिंग टू कोहिमा। आफ्टर कोहिमा वी विल हेड टुवर्ड्स हॉर्नबिल फेस्टिवल। लेट्स सी हाउ फार हॉर्नबिल फेस्टिवल इज फ्रॉम हियर, लेट्स गो। तो गाइस देखिए नजारा कैसा है, बहुत ही अच्छा नजारा है गाइस। You guys must come if you ever... तो अभी हम लोग पहुंच गया है इतना जगह में, अभी दोस्त लोगों के लिए रुका है, ये रहा पहुंच गया। कहाँ रह जाता है रे तुम लोग बार बार, कहाँ रह जाता है, ज्यादा अच्छा नहीं है ना हमला। अरे ऐसा नहीं होने का, ऐसा सिर्फ प्याज का है इतना ऊपर। हाँ
क्या खाना खाएगा कि नहीं? खाना खाएगा, बना के खाएगा। बना के खाएगा क्या? इधर में बनेगा, कहाँ बनेगा बोलो? सुंदर जगह है नागालैंड। खाना कहाँ बनेगा? कोई मैं भी बनेगा। अरे अभी इधर में नहीं बनेगा, इधर में नहीं बनेगा। फिर हम लोग राइड में वापस ऑन द ट्रैक। चलो वापस चलते हैं फिर तो। कोई मैं भी बनाएगा तो लेट्स गो। अरे भाई थक गया अपन भी, अपना पाँव दर्द करने लग रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी चलाने को हम दूर से आया है तो चलाएंगे। लेट्स गो। पहुंच गया। ये रहा गाइस व्यू पॉइंट, व्यू पॉइंट की तरह ही है ये। देखो गाइस सीधा व्यू, दिस इज कोहिमा। तो आगे बढ़ रहे हैं अभी हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए, उस रास्ते की तरफ आ गए हैं हम लोग। और रास्ता देखो क्या खतरनाक खतरनाक रास्ता है, बाप रे। पूरा एकदम मतलब स्लोप, पूरा स्ट्रेट, ऑलमोस्ट लाइक 45 डिग्री, उससे भी ऊपर ऐसा है 50 डिग्री। बहुत ही खतरनाक खतरनाक है स्लाइड, 45 से तो बहुत ज़्यादा ही है, ऑलमोस्ट होगा कितना 40 डिग्री ऐसा होता है रास्ता पहाड़ में, यहाँ पे नागालैंड का पहाड़ कोहिमा में। बोलो हाउ इज़ द एक्सपीरियंस? इसको शर्म आता है रे, क्या करूँ मैं जब नहीं आना चाहता ये। कोई बात नहीं, कैसा लगा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा है। राइड करके कैसा लगा? सुपर सुपर। हाथ खराब गंदा हो गया मेरा। कितना डिग्री है ठंडा अभी? अभी तो नहीं देखा लेकिन बहुत ठंडा है, वेदर सनी है लेकिन ठंडा है ना, ऐसा हो गया पूरा। क्या बोल सकते, गर्म कपड़े पहनना पड़ेगा, गर्म कपड़ा वही तो। चलिए कोई बात नहीं, लेट्स गो। अभी हम लोग, यू गाइस वॉच टिल आई रीच हॉर्नबिल। हम लोगों को लगभग 8 किलोमीटर जाना बाकी है अपना डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। गया है अपने डेस्टिनेशन तक, नागा हेरिटेज विलेज। ये रहा पीछे में मेरे, आप लोगों को दिखा होगा नागा हेरिटेज विलेज। तो अभी इसके गांव में ही हो रखा है मतलब क्या बोलते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो अभी जा रहे हैं उस तरफ। चलिए आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड, टिल देन आई एम एंटरिंग थ्रू दिस गेट, लेट्स गो। हॉर्नबिल पहुंच गया गाइस, देखो कितना लोग आ रखा है इधर में, लाइन में फंसा हुआ है। हम लोग तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखिए गाड़ियाँ दूसरे दूसरे स्टेज से आ रखा है। तो अभी हम लोग पहुंच गया है हॉर्नबिल में गाइस, बहुत देर के बाद थक गया ना। तो अभी हम लोग कैंप साइट ढूंढने जा रहे हैं उस तरफ, इस तरफ लोग हाट है बोल के सुना है। तो अभी जाते हैं देखते हैं कैसा है इधर का माहौल, और इधर में कुछ शो वगैरह भी हो रहा है उस तरफ, लेकिन अभी हम लोग कहीं नहीं। अभी हम लोगों को सेटलमेंट होना पड़ेगा पहले तो इधर में अच्छे से, क्योंकि हम लोग कल रात को भी खाना नहीं खाया, ऐसे ही घूम रहे। तो अभी हम लोग चलते हैं लोकहाट की तरफ, लेट्स गो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाद में देखेंगे इधर में तुम दोनों, पहले हम लोग कैंप साइट ढूंढ लेते हैं। वाओ गाइस, रहने का जगह ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ रहने का जगह ढूंढना पड़ेगा पहले तो, अभी देखने से नहीं होगा ना। हाँ इसलिए तो चलिए इधर से आओ।
तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गया है अपना कैंप साइट में, जो हम लोग ढूंढ रहा था ये रहा अपना कैंपिंग। अभी बिठाने में रेडी हो रहा है और इधर अपना खाना बन रहा है। देखो कैंप बिठाने से पहले खाना बन रहा है और इधर अपना दोस्त थंजित भाई आलू छिलका छिल रहे और ये अपना सब्जी पहले बना लेते हैं। आलू और तेल बनाने वाले हैं अभी हम लोग। देखिए गाइस लेट्स गो। देखो गाइस वाओ व्हाट व्यू ऑफ द सिटी इन द हिल्स ऑफ नागालैंड। तो अभी हम लोग हॉर्नबिल की तरफ वापस जा रहे हैं गाइस, क्योंकि होम स्टे में जाके खाना खाने के लिए गया था क्योंकि थोड़ा भूख लग गया था। कल शाम को ही खाया था हम लोग, एस यू कैन सी इन माय प्रीवियस। तो अपना दोस्त इधर में है, ये रहा ये अपना दोस्त लोग। देखिए पैदल चल रहे अभी कैंप साइड से, इसलिए हम लोग थोड़ा खा के अभी हॉर्नबिल में जा रहे हैं देखने। तो अभी गाइस हम लोग घूम रहे हैं इधर उधर हॉर्नबिल फेस्टिवल में गाइस, तो आप लोग एंजॉय कीजिए, व्यूज बहुत अच्छा अच्छा है। ये देखिए गाइस दिस इज उरा कॉफी, उरा कॉफी एसबीआई एटीएम सी भाई। हम लोग दिन से पूरा ढूंढ रहा था, हम लोग इतना दिन से ढूंढ रहा था भाई एसबीआई एटीएम, अभी इधर में मिला है। देखो कौन सा रास्ता है भाई, ये इधर में है। ये देखिए गाइस पूरा गाड़ी गाड़ी है, बहुत सारा गाड़ी है। अभी कुछ कोई 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 लोग जा रहे हैं वापस, रात हो गया ना अभी बंद होने को है। हम लोग थोड़ा लेट करके आ गया क्योंकि हम लोग ने लंच नहीं किया था दिन में, तो इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया है गाइस। अभी देख रहे हैं इधर उधर घूमते हुए, देखते हैं कितना देर पहुंच सकते हैं स्टेज वेन्यू। थोड़ा हम लोग लेट हो गया रे, इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाएगा अभी हम लोग आप लोगों को। ये रहा ये सब, ये रहा हॉर्नबिल मेन हॉर्नबिल, ये हॉर्नबिल इधर में रुका हुआ है। ये रहा गाइस दिस इज द मेन स्टेज, यहाँ पे हॉर्नबिल होता रहता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022। देखिए गाइस सेवन योर क्राफ्ट। तो स्टेज का आज तो स्टेज का ज़्यादा दिखा नहीं पाया गाइस क्योंकि लेट हो गया था हम लोग खाना खाने में थोड़ा, और ये सब अभी दुकान भी बंद होने वाला है। देखिए आप लोगों को नेक्स्ट डे को मैं अच्छे से दिखा दूंगा। चलिए ये सब बंद हो चुका है अभी, तो आज के लिए इतना ही गाइस। टिल देन आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई एम साइनिंग ऑफ, पीस आउट गाइस।